जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरिनाम प्रेस की ओर से मैं हेमांग कृष्ण नांग्या आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साधुवाद, प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। उस समय पतिपति जितनी भी सौभाग्यवती ब्राह्मणी थे उनका पूजन किया और उनको लवणा कूप तांबूल कंठ सूत्र फलेक्षु भी सुंदर जो सुहाग पिटारी है वो सुहाग पिटारी इनको दान कर रही है। सारी ब्राह्मणियों ने सुहाग पिटारी ली, फिर रुक्मिणी जी को वापिस दी। जो भेंट दे रहे हैं उसमें से ही कुछ अंश आशीर्वाद का ये रुक्मिणी जी की झोली में डालती हुई चली जा रही है। ये सौभाग्यवती जानती है यदि कोई नव सौभाग्यवती की गोद भरे तो जो पात्र लाए हैं जिसमें चावल वावल लाकर के गोद भरी है वो पात्र को खाली नहीं रखते हैं, वो अपनी झोली में से ही लेकर के थोड़ा सा लेकर के उसमें डाल देती है, वापस डाल देती है। तो सब ऐसे वापस डालते हुए माने शेष जनुज आशीष, शेष जो है उसको आशीर्वाद में भी उन बंधु बधुओं को प्रदान करते हुए रुक्मणी जी विराजमान हुई है। रुक्मणी जी जो देवी के मंदिर में विदा होकर के आई और अपनी घूंघट ऊंचा करके अलकावली ऊंची करके जो देखे आसान पाताल सेना देखी, बोले यहां पर कृष्ण कहां होंगे, आप कहां हैं, बोले श्री रुक्मणी जी में श्री कृष्ण श्री चंद्रावली जी की अपूर्व माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। रुक्मणी जी है भी चंद्रावली जी की छाया रूपा, ब्रज में चंद्रावली है उनकी छाया रूपा, तो उनकी शोभा का दर्शन कर रहे हैं। जो चौनजरा हुए श्री कृष्ण पूछने लगे, बोले रुक्मणी आप कितनी देर है, रुक्मणी जी बोले मारी बहन पास में आए जाए आप पूछने में देर, आप दारुक से बोले दारू थोड़ा था आगे बढ़ाओ, दारुक बोले मारे बहुत बढ़िया मौका था हम चूके। रुक्मणी जी ने जिस समय अपने घूंघट को अपनी अलकों को ऊंचा किया उनकी रूप माधुरी को देख करके एक क्षण के लिए पूरी सेना मूर्छित हो गई थी और उस समय कन्या का हरण बड़ी सरलता से किया जा सकता था, पर तो अब तो सब जागृत हो गए हैं। आप बोले हमको कन्या को छोड़ाने थोड़ी आए हैं, हम तो जीतने आए। श्री कृष्ण का रथ खन खन करते हुए जो आगे बढ़ा, किसी ने जाना काशीराज का रथ है, किसी ने जाना शालू का, किसी ने जाना पौंडर का, किसी ने जाना जरासंध का रथ है, किसी ने जाना शिषपाल का ही रथ है, कोई भी पहचान नहीं पाया। श्री कृष्ण का रथ जैसे ही रुक्मणी जी के पास में आकर के रुका, रुक्मणी जी तो जितनी भी सहेली उन सबों से बोली कि लो जी जी और राम राम हम तो चल, राजा की बेटी है रथ में बैठना तो जाने, कृष्ण के हाथ को पकड़ करके पट रथ के ऊपर चढ़ गई है और रथ बो जाए। सारे सैनिक जागे, बोले क्या हुआ, सब बोले जिसकी चीज थी वो ले गया। सब युद्ध करने के लिए खड़े हुए। श्री बलदाऊ जी कह रहे हैं कन्या को चुरा करके नहीं ले जा रहे हैं, कन्या स्वेच्छा से कृष्ण का हाथ पकड़ करके रथ के ऊपर चढ़ी है, वो कृष्ण के पास में विवाह करना चाहती है, हम कन्या को जीत करके ले जाएंगे। अरे वो विषय का बोले बलदाऊ जी ने दुष्ट राजाओं की संयुक्त सेना को उस समय पराजित किया है और श्री बलदाऊ जी उस समय दिव्य प्राप्त करके विराजमान हुए। इधर जितने भी दुष्ट राजा वे सब शिषपाल के पास में आए, जरासंध बोला कि हो पुरुषार्गुण दौर मनस्य निदमते यो, हे पुरुषार्गुण तुमने अपने मन को क्यों मेला कर रखा है, काम हुआ नहीं है गीदड़ का भी, कह रहे हैं पुरुष सार्गुण हे पुरुष सिंह तुमने अपने मन को क्यों मेला कर रखा है, तुम्हारी तो रोम रोम के ब्याह हो जाएंगे। शिषपाल झुझला करके बोला बोले मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, भाग जाओ कोई मेरे सामने नहीं आएगा। सब बोले भैया इसकी बात का बुरा मतमान उसको, इस समय बहुत दुखी हो रहा है। सब उस समय पढ़ा चले गए और आए तो थे बड़ी ऐठ में,
बात ही इकट्ठा करना कोई मामूली बात है। हाँ चलो जी हम आ रहे हैं आ रहे हैं, बस खड़ी है तो खड़ी, एक एक को बुला करके बैठाना बड़ा कठिन, कितना कठिन काम। परंतु आज इस समय कोई पूछने वाला नहीं, बेचारे सब अपने नौकरों के ऊपर तंग बिस्तर लगवा दिया है, थैला कंधे के ऊपर खुद ने ला रखे, और बस जैसे तैसे लौटे है, सब उस समय लौट गए, कह रहे हैं ऐसी फजीती कभी नहीं हुई। इधर रुक्मी ने विचार किया कि मेरी इतनी फजीती हुई, सारे मेहमान आए और कैसे थू थू करते हुए गए हैं, मैं या तो अपनी बहन को लौटा करके लाऊंगा, नहीं तो कुंडन पुर में प्रवेश नहीं करूंगा। सो कृष्ण को गाली देने लगा। श्री कृष्ण उस समय रुके और आपने एक साथ रुक्मी के ऊपर 19 बाणों का प्रयोग किया है। ये कृष्ण का बाण कौशल दिखा रहे हैं, 6 बाण रुक्मी पर, 8 बाण 4 घोड़ों पर, 2 बाण सूत पर और 3 बाण ध्वजा, इतने बाणों का एक साथ प्रयोग किया। रुक्मी के धनुष को टूक टूक कर दिया है। रुक्मी ने तलवार निकाली, आपने बाण लेकर से तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी सुतीक्ष्ण तलवार लेकर के जो ठाड़े हुए रुक्मणी जी तो कांपने लगी। भगवान बोले रुक्मणी हो गई परीक्षा तुम्हारी, हम अपने साले साहब को मार खोदी देते, जरा इनकी गर्मी छाद में। सो आपने रुक्मी को ही पास खींच करके बांध दिया और तलवार से सिर मुंह ले लगी। अब जान रहे तो उस तरह का मुड़ना और एक तलवार का मुड़ना, कहीं बिलंगिया रह गई, कहीं बाल रह गए, कहीं खून निकल आया, आधी दाढ़ी आधी मूछ कुरूप सा करके इसको विराजमान कर दिया है। इतने बदलाव जी आए, कृष्ण को जो देखे, कृष्ण के रथ को पेड़ के नीचे खड़ा हुआ ढक रह गए, उन्हें कृष्ण का रथ यहां एक अंत बनने कैसे खड़ा है। पास में आकर के जो देखे वहां पर वो लीला हो रही, कौन सी वो मूरा मून की लीला। श्री कृष्ण उनको डांटते हुए बोले, बोले कृष्ण ये तुमने अच्छा नहीं किया। श्री रुक्मणी जी से कह रहे हैं, बोले महिला स्नान साध्य सुनिए था, हे साध्वी हमारे प्रति असूया मत करना। श्री कृष्ण से कह रहे हैं, बोले कृष्ण बंधु यदि बध के लायक हो तब भी बंधु का बध अपने हाथ से निकलना चाहिए। क्यों पाप लेते हो, क्यों निंदा देते हो, चाहे ये कहेंगे अपने भाई को ही मार दिया क्योंकि अच्छा लगता है। रुक्मणी जी से कह रहे हैं कि क्षत्रिय अयम धर्म प्रजापति विनम्रता, क्षत्रियों का ये धर्म है। अब बड़ी सुंदर शोभा है बलदाव जी की, बलदाव जी बीच में खड़े, एक तरफ रुक्मणी जी एक तरफ कृष्ण, कवियों 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 कवियों। एक वचन कह रहे हैं, एक श्लोक कह रहे हैं रुक्मणी जी से, एक श्लोक कहते हैं, एक वचन कहते हैं श्री कृष्ण से। सो कह रहे हैं कृष्ण रुक्मणी जी से, ये क्षत्रियों का धर्म है, भाई भी भाई को मार दे तो बुरा नहीं। फिर कृष्ण की ओर देख करके कह रहे हैं, बोले कृष्ण देख राज्य संपत्ति यश इनको प्राप्त करके कभी भी श्रीमद नहीं करना चाहिए, श्रीमदांधा क्षपंते ही। आज श्रीमद में जो अंधे हैं वे अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका अधपतन हो जाता है। रुक्मणी जी से कह रहे हैं तवेन विषमा होती, फिर कभी इधर कभी इधर। रुक्मणी जी से कह रहे हैं रुक्मणी तुम्हारी विषम बुद्धि है। विषम बुद्धि क्या, बोल शिशुपाल को तो तुम त्याग करना चाहती हो और शिशुपाल को त्याग करके कृष्ण के साथ में तुम प्रीति कर रही हो, उनके साथ में विवाह कर रही हो, और शिशुपाल का यदि बंधु ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है रुक्मी, इसको बचाना चाहती हो, ये कहां की बुद्धि। पापी का यदि तुम विरोध कर रही हो तो पापी के साथी का भी विरोध करना चाहिए, तभी विषमा बुद्धि, ये विषम बुद्धि है। फिर तभी विषमा बुद्धि कहकर के ये दिखला रहे हैं कि रुक्मणी तुम आत्मा को त्याग करके यदि देह से प्रीति कर रही हो तो तभी विषमा बुद्धि, ये तुम्हारी विषम बुद्धि है। श्री कृष्ण है आत्मा परमात्मा और भाई यह है देह, भाई आत्मा नहीं है। एक पिता एक माता से जन्म होने के कारण ही तुम्हारा
अवतार हुआ है। आत्मा रूप में श्री कृष्ण परम उपास्य है, भाई जो है वह देह ही कहलाएगा। इसलिए देह से प्रीति करना और परमात्मा का त्याग करना ये कभी भी बुद्धिमानी नहीं है। देह एक उपाधि मात्र है, भाई एक उपाधि मात्र है, जो परमात्मा है वह परम परम उपास्य होकर के विराजमान। इसलिए कृष्ण से प्रीति करो, कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाओ, उपाधि के साथ में अपनी निष्ठा को जोड़ना यह उचित नहीं है। अतः तवेयं विषमा बुद्धि, ये तुम्हारी विषम बुद्धि है। यदि दुष्ट का कोई साथ निभा रहा है तो वो दुष्टि है, उसे मारा जाएगा। तो कृष्ण ने जो किया वो अनुचित नहीं किया। फिर भी एक एव परोह्यात्मा सर्वेषामेव देहिनां, देखो सबके भीतर एक आत्मा ही विराजमान है, जो आत्मस्वरूप है वह स्वरूप में एक है। जीव तटस्था वृत्ति के रूप में अलग अलग है, तटस्था शक्ति के रूप में एक है। फिर से बाकी को दोहरा दें, सारे जीव तटस्था शक्ति के रूप में एक है, शक्ति तत्व एक है, परंतु शक्ति की वृत्ति के रूप में मेरा जीव अलग, आपका जीव अलग, आपका जीव अलग, आपका जीव अलग। तो तथस्था शक्ति की वृत्ति में भेद है, शक्ति रूप में भेद नहीं है। अब इन सारी अनंत अनंत जो जीव है, जो तथस्था शक्ति की वृत्ति के रूप में अनंत रूप हो धारण करके विराजमान, जीव अनेक होकर के विराजमान, श्री मध्वाचार्य जी महाराज ये निरूपण करते हैं कि जीव जीव में भी भेद है, जीव ईश्वर में भेद है, जीव जगत में भेद है, जगत ईश्वर में भेद है। तो ये पांच प्रकार के भेद श्री मध्वाचार्य जी निरूपण करते हैं, उसमें जीव जीव में भी भेद का जो स्थापन करते हैं। तो वृत्ति वृत्ति में जहां भेद है, परंतु इन सबका शासक होकर के कौन विराजमान है? सबका शासक होकर के विराजमान है परतत्व परमात्मा, वो ईश्वर। और श्री कृष्ण केवल आत्मा नहीं है, जब आत्मा ही एक होकर के तत्सत्ता शक्ति के रूप में एक होकर के विराजमान है, वृत्ति के रूप में भेद है परंतु शक्ति के रूप में जब आत्मा ही एक होकर के विराजमान, तो परमात्मा का तो कहना ही क्या, श्री कृष्ण परमात्मा है, उनके साथ में तुम प्रीति करोगी। और श्री रुक्मिणी जी इस ब्रह्म ज्ञानोपदेश की सर्वथा अधिकारिणी है। रुक्मिणी जी के मोह को श्री कृष्ण ने उस समय दूर किया है और कह रही है नात्मनोन्येन संयोगो वियोगो शाश्वतस्मृति, जो आत्मा है उसका प्रकृति के साथ में कभी संयोग नहीं है, न आत्मा का प्रकृति के साथ में वियोग, वह तो सर्वदा पृथक होकर के ही विराजमान। देह कभी भी आत्मा नहीं है, तुम्हारे भैया के देह का अपमान किया जा रहा है, परमात्मा श्री कृष्ण उनमें तुम प्रीति करते हुए विराजमान हो। देहाध्यस्त जो आत्मा है उसको, वो उसके कारण ये तुम्हारे भाई के साथ में, तुम्हारे श्री कृष्ण के साथ में द्वेष मान करके ये रुक्मिणी विराजमान है और श्री कृष्ण इसके देह का अपमान कर रहे हैं। तुम अपने भाई के देह के अपमान को अपना अपना अपमान नहीं मानोगी, ऐसे जिसे मैं सुंदर वेदांत तत्व उसके ज्ञान को जब प्रदान किया है, श्री रुक्मिणी जी का मोह दूर हुआ। रुक्मिणी ने वही भोजकटपुर की रचना कर दी। श्री कृष्ण द्वारका में लौट करके आए, श्री भीष्मक राजा को बुलाया, भीष्मक राजा बड़ा भारी ताजा लेकर के आए हैं, विधि विधान पूर्वक कन्यादान पुरस्कार श्री रुक्मिणी जी का कृष्ण के साथ में विवाह हुआ। जितने भी द्वारकावासी सब रुक्मिणी महारानी की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, उनके विवाह महोत्सव की जय, ऐसे आनंद पूर्वक विराजमान हुए। जितनी भी राजकन्यागण वे भी अभिलाषा कर रही हैं कि हमको भी श्री कृष्ण कब अपनाएंगे। इस प्रकार श्री रुक्मिणी मंगल, श्री रुक्मिणी विवाह के इस पूजन में आज का जो कथा प्रसंग है उसे यहाँ विश्राम प्रदान कर रहे हैं। आगामी कल श्री कृष्ण के विभिन्न विवाह, द्वारका लीला, सुदामा चरित्र, ज्ञानोपदेश श्री उद्धव जी को प्रदान करेंगे, श्रीमद् भागवत का विसर्जन।
अच्छा हाँ भाई, बाबा की आज्ञा हुई है, लेकिन समय बदलना तो नहीं चाहिए। अच्छा चल चल जाने, ठीक है। हाँ ऐसे कल 1 बजे से कथा शुरू करने की आज्ञा है, जो आज्ञा शुरू था तो 1 बजे से कल कथा का समय 2 बजे का नहीं है, कल कथा का समय 1 बजे का है।